Hey guys, for more videos on digital marketing, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. Hello friends, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशल बुकमार्किंग लिंक बिल्डिंग टेक्निक है ये कैसे बनी होता क्या है देखते हैं एक बार। सोशल बुकमार्किंग इज अ सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन सर्विस विच अलाउज यूजर्स टू एड अनोट एडिट एंड शेयर बुकमार्क्स ऑफ वेब डॉक्यूमेंट। तो पहले सोशल बुकमार्किंग में सिर्फ बुकमार्किंग की बात कर लेते हैं। जैसे आप कोई भी आर्टिकल ब्राउज कर रहे हो इंटरनेट पे या कोई भी इंपॉर्टेंट पेज है जो बेसिकली आपको डेली चाहिए होता है तो आप उसको कहीं ना कहीं बुकमार्क कर लेते हो सो दैट कि इजीली उसको रेफर कर पाओ। ठीक है ना, वन क्लिक से आप खोल सकते हो उसको, कोई टाइप नहीं करना, कुछ नहीं करना। द वेब पेजेस वी बुकमार्क ऑन सोशल बुकमार्किंग साइट्स आर कंसीडर्ड एज क्वालिटी बैकलिंक। सो बेसिकली यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हम पहले बुकमार्क्स को समझ रहे हैं। ये बुकमार्क्स वो है जो हम अपने ब्राउजर में बुकमार्क करते हैं, जो कि एक कंप्यूटर के एक ब्राउजर में बुकमार्क होते हैं। लेकिन अगर मैं दूसरा ब्राउजर खोलूंगा तो उसमें नहीं होगा, दूसरा पीसी में जाऊंगा तो वहाँ पे भी वो मुझे नहीं मिलेगा। तो ये कुछ ऐसी साइट्स हैं, ऑनलाइन बुकमार्किंग साइट्स बोल सकते हैं इसको, जहाँ पे आप अपना अकाउंट बना के अपने जिन पेजेस को आप बुकमार्क कर रहे हो वहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो और फिर लॉग आउट कर दो, फिर किसी भी कंप्यूटर पे बैठे लॉग इन करो फिर एक्सेस कर सकते हो। तो जब ऐसा कुछ होना शुरू हुआ तो बहुत सारे लोगों ने ऐसी साइट्स पे गए, अपनी प्रोफाइल बनाई, बहुत सारे पेजेस को बुकमार्क किया और फिर कहीं ना कहीं वो पेजेस क्या हुआ, उस साइट ने उसको लाइव कर दिया, गूगल ने उसको एक्सेस किया और उससे SEO वैल्यू मिलनी शुरू हो गई क्योंकि वो सारे डू फॉलो हुआ करते थे। एंड वी ऑल नो दैट क्वालिटी बैकलिंक्स हेल्प टू इंक्रीज ब्लॉग ट्रैफिक एंड गूगल पेज रैंक। तो बेसिकली वो जो हमने लिंक्स तो बुकमार्क के थ्रू बनाए थे क्योंकि उसको गूगल ने यू नो बैकलिंक की तरह कंसिडर किया, उससे हमें लिंक जूस मिला तो ट्रैफिक भी अच्छा हो गया और रैंक भी अच्छी हो गई। अब यहाँ पे कई लोग बोलते हैं कि ये ऑब्सोलीट हो गया, ये अब कोई करता ही नहीं। ठीक है, SEO वैल्यू नहीं मिलती इससे। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि लिंक्स वो जो आप साइट्स हैं वो नो फॉलो देती, नो फॉलो मतलब नो लिंक जूस। बहुत सारी अच्छी साइट्स हैं, बोलने को ये बुकमार्किंग साइट्स हैं लेकिन एक्चुअली में वो एक नेटवर्किंग साइट्स हैं। टम्बलर, रेडिट, स्टम्बल अपॉन, डिग, ठीक है ना, प्लग, ये सब यू नो बुकमार्किंग से ज़्यादा नेटवर्किंग साइट है लेकिन हम SEOs इसको एज अ बुकमार्किंग साइट यूज़ करते हैं। अगर यही फैक्ट है तो हम ट्विटर को, इंस्टाग्राम को, फेसबुक को, लिंक्डइन को, यू नो इन प्लेटफॉर्म्स को भी हम लिंक बिल्डिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं लेकिन अल्टीमेटली लिंक जो मिलेगा वो नो फॉलो मिलेगा। और सोशल साइट्स पे अगर आप किसी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिंक्स को बार बार प्रमोट करते हो ऐसी ऑडियंस के सामने जो जिसका इंटेंट ही नहीं है, जिसका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो नेगेटिव मार्केटिंग की तरह भी कंसिडर हो सकता है। लेकिन क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये इंडिया में ज़्यादा नहीं चलते हैं और सोशल नेटवर्किंग में भी यू नो आपको किसी को कुछ दिखाने के लिए फॉलोअर्स बढ़ाने पड़ते हैं, कंसिस्टेंटली कंटेंट डालना पड़ता है, तो ये प्लेटफॉर्म बेसिकली इंडिया में चलते नहीं है ज़्यादा। ये प्लेटफॉर्म इंडिया में चलते नहीं है, इंडिया में तो वही चलता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम ऐसा नहीं करते, उनको हम नेटवर्किंग की तरह कंसिडर करते हैं, इसको हम बुकमार्किंग की तरह कंसिडर करते हैं लेकिन ये भी नेटवर्किंग साइट हैं, इंडिया में उतनी पॉपुलर नहीं है। इंडिया के लोग एडवांटेज ले सकते हैं जस्ट फॉर ट्रैफिक क्योंकि लिंक नो फॉलो ही मिलेगा आपको यहाँ पे, बट इज़ द ट्रैफिक एक्चुअली वर्थ? अब अगर आपकी इंफॉर्मेटिव साइट है तो ट्रैफिक तो कहीं से भी आएगा, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज़ SEO, व्हाट इज़ रॉबर्ट जोटीएक्सटी। लेकिन अगर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की बात करोगे तो आप इंडिया की दिल्ली में एक लोकल सर्विसेज दे रहे हो, बाहर वाला देखेगा तो सर्विस लेगा कैसे, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। सोशल मार्केटिंग फिर भी लोग कर रहे हैं, क्या फ़ायदा है इसका जब लिंक नो फॉलो मिल रहा है? लेकिन लिंक नो फॉलो है लेकिन क्लिक करके वेबसाइट पर तो कोई आ सकता है ना, अगर कोई जाता है इस साइट पर तो, ठीक है ना। अब जिस साइट पर चीज़ें डलती रहती हैं गूगल भी उसी फ्रिक्वेंसी में आता रहता है, तो अगर आप भी अपना लिंक शेयर करोगे तो इंडेक्सिंग फास्ट हो सकती है। तो अगर कोई नया पेज बनाते हो तो कर दो, मतलब अगर आपकी वेबसाइट 10 पेजेस की है तो आपने करा, लेकिन जब फ्यूचर में ब्लॉग है उसमें रोज़ ब्लॉग डाल रहे हो तो वो भी कर दो। इंडेक्सिंग के लिए कह रहा हूँ मैं, लिंक बिल्डिंग के लिए तो मैं कह नहीं रहा, लिंक बिल्डिंग तो वैसे भी करके नो फॉलो ही मिलना। और ज़्यादातर इन साइट्स पर ना SEO वाले लोग ही जाते हैं, तो SEO वाले लोगों का मतलब होता है कि अपना लिंक डालो और आ जाओ, दूसरे के लिंक को वो ना सर्च करते हैं ना उस पर क्लिक करके जाते हैं क्योंकि उनका इंटेंशन ही नहीं होता। तो यहाँ पे सिर्फ फास्टर साइट इंडेक्सिंग के लिए आप कर सकते हो, SEO वैल्यू नहीं मिलेगी। तो अब देखते हैं करते कैसे हैं। तो कुछ साइट्स मैंने एक्सेल में डाली हुई हैं, जैसे इंपॉर्टेंट साइट्स की मैंने बात करी थी, टम्बलर, स्कूपिड, प्लग, डिग, ब्लेरिशर, फॉग, बिट्सोनॉमी, साइट जॉट, डिजाइन फ्लॉट, ठीक है ना, ये सब साइट्स डाली हुई हैं। कुछ साइट्स का मैंने यहाँ पे डोमेन अथॉरिटी भी लिख दिया माउस बार के थ्रू और उसी के पेज एनालिसिस ऑप्शन की वजह से मैंने इसका IP एड्रेस भी लिख दिया। तो अब कुछ साइट्स पे चलते हैं, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने टम्बलर, स्कूपिड, प्लग और डिग ओपन करी हुई है। तो टम्बलर पे जाके सबसे पहले हम अकाउंट नहीं है तो गेट स्टार्टेड कर लो, कोई इशू आ रहा है, चलो मेरा तो बना हुआ अकाउंट में लॉगिन करता हूँ सीधा, लॉगिन करते हैं स्कूपिड में, साइन इन लॉगिन करते हैं। सेम वे डिग में भी हम साइन इन कर सकते हैं यहाँ पे। तो पहले इन तीनों का देख लेते हैं। अब जैसे सोशल मीडिया साइट जैसे आप देखते हो वैसे ही सब ऑप्शन आ रहे हैं,
तो हम लिंक पे जाएंगे। वैसे डिजिटल मार्केटिंग का मैंने ये रोहिणी वाला पेज खोला हुआ है, इसको कॉपी कर लेते हैं। टम्बलर में चलते हैं, लिखा हुआ टाइप और पेस्ट है, यूआरएल एंटर कर दिया। ऑटोमेटिकली पेज का टाइटल उठा लिया, डिस्क्रिप्शन उठा लिया। अब डिस्क्रिप्शन जो है आप यहाँ से हटा के यहाँ पे भी डाल सकते हो और यहाँ पे टैग्स डाल सकते हो। जैसे बात कर रहा हूँ अभी मैं रोहिणी वाले पेज की, तो पेज का यूआरएल कॉपी करेंगे। पेज का टाइटल जो है वो मेरा टाइटल वाला भी ले सकते हो आप, या कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड भी ले सकते हो। तो अगर मैं कीवर्ड डालूं यहाँ पे तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स रोहिणी, ठीक है। तो यूआरएल टाइटल डिस्क्रिप्शन, टैग्स में हम डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो डिजिटल मार्केटिंग एक टैग हो गया। कोर्स की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, समथिंग ऐसे कुछ ले सकते हैं यूज़र नेम में। ठीक है, यहाँ पे टैग्स डाल देंगे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन समथिंग लाइक दिस, और इसको आप पोस्ट कर दो। यूआरएल लेंगे। अब ये दूसरी साइट है स्कूपेट, इसमें भी हमने साइन इन कर लिया तो हो गया। पहले था कि हम प्रोफाइल में जाते थे, प्रोफाइल में जाने के बाद न्यू स्कूप पे क्लिक करते थे तो ऐसा ऑप्शन आता था, यहाँ पे हमने डिटेल्स फिल करनी होती है। अभी क्या हो गया देखो, कन्वीनियंट होम पेज पे चले जाओ, लेफ्ट साइड में ऑप्शन आ रहा है पेस्ट द लिंक टू क्रिएट अ न्यू स्कूप। तो यहाँ पे लिंक डालेंगे, एंटर करेंगे तो टाइटल डिस्क्रिप्शन में भी ये भी वेबसाइट से फेच कर लेगा, टैग्स डालेंगे और हो जाएगा। नेक्स्ट साइड देखते हैं प्लग। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन होते हैं, जैसे मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, सेज थिंग्स नीड्स विशेज वॉन्ट्स शेयर्स, लिंक डाला मैंने। जैसे लिंक डाला तो पेज से ऑटोमेटिकली फेच कर लिया ये। चेंज करना चाहूँ तो मैं क्लिक करके कर सकता हूँ, ये रहा एडिट का ऑप्शन, तो लिंक कैप्शन यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज ऑटोमेटिकली जो आ रहा है वो भी ठीक है। इसको प्लग करेंगे। अब आप देख रहे हो जितनी बार भी प्लग किया है तो ये डॉटेड बाउंड्री दिख रही है, ये सब नो फॉलो लिंक्स हैं तो एसईओ वैल्यू तो नहीं मिलेगी। ये भी सब आप देख रहे हो जो मैंने पहले किया हुआ है वो भी सब डॉटेड बाउंड्री आ रही है तो नो फॉलो ही है। और टम्बलर के अंदर डू फॉलो है लेकिन वो डायरेक्ट वेबसाइट का लिंक नहीं दिखा रहा। देखो ये जब मैंने इस पर कर्सर ले गया तो आप लेफ्ट बॉटम में देखो tumblr.com समथिंग रीडायरेक्ट समथिंग लिखा हुआ है, तो ये भी गूगल इसको भी प्रॉपर बैकलिंक कंसिडर नहीं करेगा। इसको पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, अभी ये लोडिंग ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये टाइटल पिक कर लिया, फिर डिस्क्रिप्शन पिक कर लिया और टैग्स हमने जैसे वहाँ डाले थे सेम यहाँ पे भी डाल सकते हैं, कुछ भी डालना है। और उसके बाद इसको पब्लिश कर दो, पब्लिश करोगे तो देखो क्या आप नो फॉलो ही आएगा। ग्रेट, ओके। तो कुछ मतलब चेंज हो गए हैं, स्कोप यू कैन ऑल्सो ऑटोमेटिकली डिलीट योर, तो ठीक है पुराने डिलीट कर दो और ये वाला डाल दो। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है बेसिकली, कोई फर्क नहीं पड़ता बेसिकली, कोई एसईओ में कुछ इतना एडवांटेज नहीं है इसका। और भी बहुत सारी साइट हैं जिस पर कर सकते हो। ओके, तो ये जो मैंने बहुत सारे बनाए थे आई थिंक वो डिलीट हो गए अब, और जो अभी किया है सिर्फ वही आएगा। तो मैं अपनी प्रोफाइल में जाके दिखाता हूँ आपको, एक कैटेगरी बनी हुई थी एसईओ बिल्डिंग ब्लॉक, इसके अंदर जितने भी थे मैंने डिलीट कर दिए और ये नए वाला डाल दिया। तो जो नए वाला डाला है, पुराने वाले भी आ रहे हैं वैसे तो, और जो अभी डाला है डिजिटल मार्केटिंग ये वाला, तो ये जो डॉटेड बाउंड्री है ये इस प्लगइन की वजह से आ रहे हैं जिसका नाम है नो फॉलो। तो जब भी कोई नो फॉलो लिंक होता है ऑटोमेटिकली डॉटेड बाउंड्री से यू नो आ जाती है वहाँ पे, और पता चल जाता है कि अच्छा ये नो फॉलो लिंक है। प्लग में भी वही चीज़ है। अब डिग में चलते हैं, साइन इन विद गूगल कर लेते हैं इसको। तो इन साइट पे बेसिकली आप बहुत एग्रेसिवली लिंक बना सकते हो, क्योंकि ये यू नो अब इस साइट ने रिस्ट्रिक्शन दिया है स्कूपेट ने, अदरवाइज़ ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होती नहीं है, जितने मर्जी बना सकते हो। लेकिन अगेन ज़्यादा बनाना इज़ अननेचुरल, अनह्यूमन, ठीक है ना, रोबोटिक लगता है वो ज़्यादा, तो वो चीज़ आपको टेक केयर करनी है।
तो ये कुछ पॉपअप खुल गया है यहाँ पे, देखते हैं क्या चीज़ है। तो पहले यहाँ पे क्या होता था कि जैसे हम बॉटम में आते थे तो यहाँ पे एक लिंक होता था, सबमिट अ लिंक। तो अब यहाँ पे तो चलो नहीं दिख रहा, तो टॉप पे देखते हैं कहीं पे। चलो कोई बात नहीं, इसको बंद कर देते हैं हम, और साइन इन करे बिना अगर मैं बॉटम में जाता हूँ तो देखते हैं वो लिंक है या नहीं है। एडवांस कम्युनिटी नहीं आ रहा बेसिकली यहाँ पे, तो फॉर्मेट चेंज हो गया है। तो देखते हैं एक बार क्या कर सकते हैं, मोर में देखते हैं। ओके, तो गेट अ डिग न्यू टैब एक्सटेंशन, देखते हैं इसे कर सकते हैं। ओके, देखते हैं कैसे काम करेगा। डिग मैंने डाल लिया यहाँ पे, डिग अभी इनएक्टिव दिखा रहा है। चलते हैं एक बार एक्सटेंशंस में। ठीक है, अभी इनएक्टिव आ रहा है बेसिकली। तो सबमिट अ लिंक का ऑप्शन होता था पहले, तो ठीक है। तो दिस वे आप कर सकते हो, एक साइड और दिखाता हूँ आपको। रेडिट लॉगिन करना पड़ेगा, ओके। तो आप देख रहे हो ये भी सोशल बुकमार्किंग साइट है, लेकिन मोर ऑफ क्रिएट पोस्ट का ऑप्शन है, इमेज डाल सकते हो, लिंक शेयर कर सकते हो। तो लिंक पे क्लिक करें एक बार, ऐसा कुछ आ गया। तो एक्सेल फाइल से हम पहले टाइटल ले लेते हैं, फिर हम यूआरएल भी ले लेते हैं यहाँ से। ओके, तो ठीक है, पोस्ट का भी इनएक्टिव दिखा रहा, तो यहाँ पे कुछ कैटेगरी चूज़ करनी पड़ेगी। दो इनएक्टिव हैं, मार्क एज नॉट सेव फॉर वर्क, नहीं करना ऐसा, मार्क एज स्पॉइलर। तो ठीक है, अगर ये मैं करता हूँ, अच्छा अगर ये मैं नहीं भी करता हूँ, चलो चूज़ अ कम्युनिटी, नो कम्युनिटी इज़ फाउंड। ओके, तो कैसे होगा फिर ये बेसिकली, सर्च फॉर कम्युनिटीज़। ओके, तो बहुत सारी कम्युनिटीज़ है बेसिकली यहाँ पे बनी हुई, कैटेगरीज़ भी बोल सकते हैं इसको आप। SEO अगर मैं चूज़ करता हूँ या डिजिटल मार्केटिंग, देखते हैं मिलती है तो डिजिटल मार्केटिंग, राइट, चूज़ किया अभी भी। ओके, ऊपर लेते ही ऑप्शन चेंज हो गया। डिजिटल मार्केटिंग में पोस्ट का ऑप्शन है, लिंक का ऑप्शन नहीं अवेलेबल है। SEO पे आते हैं, SEO में लिंक का ऑप्शन अवेलेबल है, ये हो गया, लिंक डाल दिया और पोस्ट अब एक्टिव हो गया यहाँ पे। अगर मैं इसको हटा भी दूँ तो पोस्ट एक्टिव है, तो बेसिकली ये सब रेलिवेंट नहीं है, तो लेने की ज़रूरत नहीं है। कैटेगरी ले लो, पोस्ट, योर अकाउंट, बेसिकली मैं यूज़ नहीं करता उतना, तो अकाउंट उन्होंने क्लोज कर दिया, अदरवाइज दिस इज़ द वे। पोस्ट करोगे तो आपकी जो लिस्टिंग है, देखते हैं कैसे आएगी, सोशल मीडिया की तरह ही है, लेकिन अगेन नो फॉलोइंग मिलेगा आपको। कैटेगरीज देख रहा हूँ मैं बहुत सारी यहाँ पे, कम्युनिटीज़ में बहुत सारे लोग अपने लिंक पोस्ट शेयर करते होंगे, देखते हैं एक बार। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी लिंक शेयर किया है तो दिख रहा है क्लियरली कि नो फॉलो है, ठीक है ना। तो दिस वे आप सोशल बुकमार्किंग कर सकते हो। ढूंढने का तरीका क्या है बेसिकली इसका, गूगल में जाके आप लिख सकते हो सोशल बुकमार्किंग साइट्स लिस्ट, तो बहुत सारी साइट्स आ जाएंगी यहाँ पे आपको, जैसे मेरी साइट आ गई, यहाँ पे क्लिक करते हैं सोशल बुकमार्किंग साइट लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बुकमार्किंग के बारे में कुछ लिखा हुआ है और फिर नीचे मैंने साइट्स की लिस्ट दी हुई है बहुत सारी, इनको एक एक करके ओपन करके देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे अभी भी अलाउड है, कर सकते हो, किसकी क्वालिटी कैसी है, तो बहुत सारी साइट्स हैं। तो सेम वे
मैंने यहाँ पे ऊपर मेन्यू में देखोगे तो डायरेक्टरी सबमिशन वेबसाइट्स की भी लिस्ट दी हुई है यहाँ पे, तो ये भी पूरा एक आर्टिकल है, इसको गो थ्रू भी कर सकते हो। और ऐसी जितनी भी टेक्निक्स की हम बात करेंगे उन सब की बेसिकली लिस्ट मैंने भी अपनी वेबसाइट में डाली हुई है, तो आप ब्राउज कर सकते हो। ठीक है, एक्सपर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे भी डाली हुई है, digitalhoti.com के ब्लॉग पे भी डाली हुई है, तो वो सब चीज़ें कन्वीनियंटली आप कर सकते हो, तो कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो बेसिकली दिस वे आपको सोशल बुक मार्किंग करना है, मेक श्योर टू मच नहीं करना। ठीक है ना, जैसे कोई ब्लॉग आप नया बनाते हो तो 2-3 साइट्स पे एक दिन कर लो, फिर अगले दिन 2-3 साइट्स पे और कर दो, तो आपको पहले तो कुछ टाइम में पता चल जाएगा कि आपको किस टेक्निक की साइट्स ईजिली मिल जाती है, किसकी लिमिटेड साइट्स हैं उसी पे करना है जो भी करना है। ठीक है ना, डू फॉलो नो फॉलो की भी प्रेफरेंस आपको समझ में आ जाएगी जब आप खुद करोगे ये चीज़ें, तो लेकिन मेक श्योर डीए देखना है, आईपी एड्रेस देखना है, फिर जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो वो एकदम पेज से रिलेवेंट होनी चाहिए, कैटेगरी आपको अगर ऑप्शन मिलता है तो वो सही से चूज़ करना। ठीक है, तो इतनी बात करते हैं सोशल बुक मार्किंग के अंदर, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू। हे गाइस, फॉर मोर वीडियोस ऑन डिजिटल मार्केटिंग प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।